दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, जितना आप लोगों ने देखा हम घर पर उतना ही वीडियो शूट कर पाए थे, क्योंकि आज जो है गोवर्धन भगवान की पूजा थी, तो आज इनका विसर्जन करना है, तो उसके लिए पूजा हुई। तो अभी हम लोग यहाँ से निकले, हमारे घर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर लगभग भरत कुंड है, जहाँ पर हनुमान जी का और भरत जी का मिलन हुआ था, जब हनुमान जी जो है यहाँ पर्वत लेकर जा रहे थे, तब उसके बाद जब भरत जी ने बाण चलाया था तो वहाँ पर जो है वो गिरे थे, तो उसके बाद वहाँ पर उन दोनों का मिलन हुआ था, उसका नाम नंदीग्राम भरत कुंड है। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, साथ ही साथ इधर देख सकते हैं बोरी में हम लोगों ने रखा है, क्योंकि नहीं तो इधर उधर हो जाते। तो साथ में तो भैया भी है, अभी गाड़ी चला रहे हैं। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, पहुँचने वाले हैं, लगभग 5-6 किलोमीटर अभी होगा। तो अभी चल रहे हैं हम लोग, वहाँ का भी सीन आप लोग को दिखाएंगे, भरत कुंड पहुँचने वाले हैं, तो भरत कुंड आप लोग को घुमाएंगे, कैसा बना हुआ है, सारी चीज़ें आप लोग को दिखाएंगे। लगभग कुछ टाइम पहले जो है हमने आपको दिखाया था, लाइव वीडियो हमने कुछ किया था, क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारे दादाजी के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी, तो लाइव वीडियो हमने चलाया था। एंड कलश यात्रा जब निकली थी तो उसका भी ब्लॉग बनाया था, तो शायद से आप लोगों ने वो ब्लॉग देखा होगा। तो वो ब्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, प्लेलिस्ट है, तो उसमें आप लोग सारी वीडियो जो श्रीमद् भागवत कथा से रिलेटेड है वो आप लोग देख लीजिएगा। फाइनली दोस्तों, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं नंदीग्राम भरत कुंड। तो आप लोग इधर से देख सकते हैं, इधर अभी अंदर की जो राउंड वाली रोड है वो बन रही है, अभी यहां पर हम लोग आए तो देख रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, अभी हम लोग आ चुके हैं, अभी विसर्जन करने जा रहे हैं, और उसके बाद दिखा देते हैं जो कुंड है, तालाब टाइप का बना है, तो ये आप लोग देख सकते हैं एक कुंड है। पहले क्या था कि पहले पूरे, अगर मान लीजिए विसर्जन हो रहा है तो पूरे में जो है इधर उधर छिटक जाता था। तो क्या हुआ, किंजल सिंह जब डीएम थे हमारे यहाँ की, तब उन्होंने जो है ये एक बाउंड्री लगा दी कि मतलब अगर विसर्जन हो रहा है, मूर्ति विसर्जन हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ पर एक बाउंड्री लगा दी, इसी में विसर्जन हो, पूरे में ना फैले, पूरे कुंड में। तो आप लोग इधर देख सकते हैं ये कुंड बना हुआ है। तो हमने जो है आप लोग को, शायद से आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, जब जो है हमारे यहाँ विसर्जन होता है तो यहीं पर विसर्जन होता है, हम लोग के यहाँ का जब मूर्ति बैठती है नवरात्रि में तो यहीं पर विसर्जन होता है। हमने जो है ब्लॉग भी बनाया है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वो देख लीजिएगा। तो अभी ये आप देख सकते हैं, अभी यहाँ क्या है, काई वगैरह जम गई है, अभी सफाई नहीं हुई, जल्दी सफाई होगी, क्योंकि अभी जो कुंड है वहाँ पर भी जो है ये, अब पता नहीं आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो जलकुंभी बोलते हैं, तो उसकी जो है सफाई अभी चल रही है। तो अभी हम जो है बीच में यहाँ पर आ चुके हैं और आप लोग को दिखाते हैं कुंड। तो अभी हम इधर से आ रहे हैं, ये कुंड आप लोग देख सकते हैं, अभी गंदगी बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि काई वगैरह पड़ी हुई है, तो अभी उसकी सफाई चल रही है, आप लोग देख सकते हैं, शायद से आपको सामने नज़र आ होगा काई, उधर जलकुंभी का ढेर जो है सामने वहाँ पर लगा हुआ है। इधर भी आप चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो आपको काला काला शायद दिख रहा होगा, वो वही है, जलकुंभी जो है निकाली जा रही है, सफाई की जा रही है। इधर जो है यहाँ पर मूर्ति विसर्जन होता है, जब हमारे यहाँ नवरात्रि होती है, दुर्गा पूजा बैठता है, तो मूर्ति का विसर्जन यहीं पर कुंड में होता है। तो जब हम विसर्जन करने आए थे तो शायद रात हो गई थी, तो शायद आपको अच्छे से ना दिखा हो, तो अभी आप लोग देख सकते हैं दिन का समय है, तो अभी यहाँ पर सफाई नहीं हुई है, लेकिन जब विसर्जन होने का टाइम आएगा तब यहाँ पूरी सफाई अच्छे से हो जाती है, ये काई वगैरह नहीं रहती, साथ साथ अभी जो मूर्ति विसर्जित हुई थी उसकी भी सफाई नहीं हुई, तो वो सफाई हो जाएगा। अभी सामने आप लोग देख सकते हैं जलकुंभी वगैरह अभी भी है, तो सफाई इसकी चल रही है, जल्दी जो है इसकी सफाई कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी हम लोग चल रहे हैं गोवर्धन भगवान का जो है विसर्जन करते हैं। अब देखिए भगवान गोवर्धन इसी में बंधे हुए हैं, और फोटो हमने स्टार्टिंग में शायद आप लोगों ने देखा होगा, जब इंट्रो टाइप का दिखा रहे थे तो हम, तो उसमें दिखाए थे इनको।
अब देखिए इसमें जलाभिषेक करते करते जो मिट्टी काफ़ी हट चुकी है, बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया था। शायद ने आप लोगों ने जब श्रीमद भागवत कथा चल रही थी तो आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो अभी मिंटू भैया जो है विसर्जन करने जा रहे हैं। गंदगी तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वही मूर्ति विसर्जन हुआ था तब से जो है उसी तरीके पड़ा हुआ है, अभी सफाई नहीं हुई है। तो अभी गोवर्धन भगवान चल रहे हैं, तो चलिए एक बार जयकारा लगाते हुए बोल देते हैं प्यार से गोवर्धन भगवान की जय। और अंदर कर दिया अंदर। हमारे यहाँ या तो यहाँ पर आते हैं भरतकुंड या तो फिर अयोध्या जाते हैं, तो अयोध्या तो थोड़ा लंबा पड़ता है, 40 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, लेकिन यहाँ थोड़ा नज़दीक पड़ता है। तो हम लोगों के यहाँ जो है इधर ही जो भी होता है हम लोग यहीं पर आते हैं। गोवर्धन भगवान का जो है विसर्जन हो चुका है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं हनुमान भरत जी का जहाँ मिलाप हुआ था, मंदिर बना हुआ है तो वहाँ चलते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर परिसर, पहुँच चुके हैं अंदर, हम लोग आ चुके हैं। तो अभी हम लोग अंदर की तरफ चल रहे हैं, गेट उधर से हम लोग आए। दोस्तों आप लोगों ने भरत जी और हनुमान जी का मिलन देखा, और उसके बाद जो है हम बेसमेंट में भी गए थे जहां पर भरत जी तपस्या कर रहे थे, उसके बाद हनुमान जी का भी दर्शन आप लोगों को कराया। अंदर में हम गए वहां पर, मतलब बोले नहीं क्योंकि बाबा लोग जो है वहां पर पाठ कर रहे थे, तो लेकिन हमने आपको जो है वीडियो के माध्यम से पूरा दिखाया। आई होप आप लोगों ने हनुमान जी का और भरत जी का दर्शन किया होगा। तो आप लोगों को आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है, फिर भी हमने सोचा चलिए आप लोग को दिखाया जाए। इसके पहले हम आए थे लेकिन एक बार आए थे तो अंधेरा हो गया था तो पूरा ब्लॉग नहीं सुन पाए थे। तो अभी हम दोनों लोग आए हुए हैं, हम भैया आए हुए हैं, तो अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट अवश्य जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए श्री सीताराम।